हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भारत को जाना परीक्षा को लेकर, तो 100 स्कूलों में 22,435 बच्चों ने दी भारत को जाना परीक्षा। ये हल्द्वानी के क्वींस पब्लिक स्कूल की फोटो है जहाँ पर भारत की परीक्षा भारत को जाना परीक्षा देते छात्र छात्रों ने फोटो यहाँ पर खींच रखी है। और बताया गया कि यहाँ पर जो है हल्द्वानी के 43 स्कूलों में जो है 9,500 बच्चों ने जो है लिखित परीक्षा दी है, जबकि काठगोन शाखा में 46 स्कूलों में जो है 11,600 बच्चों ने परीक्षा यहाँ पर दी हुई है। काउंसलिंग के से किया गया 6,300 शिक्षकों का स्थानांतरण। डॉक्टर धन सिंह रावत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करेंगे, तो प्राथमिक लेवल के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने वाली है। और कहा है कि अंतरमंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी, तो अंतरमंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया जो है जल्दी शुरू होने वाली है। और वहीं यहाँ पर 34 जो सहायक अध्यापक इनकी नियुक्ति कर दी, तो एलटी की 34 जो भर्तियाँ थी उनको जो है नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी कर दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर जो है इनको नियुक्ति दे दी गई है। साथ ही यहाँ पर जो धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में यहाँ पर 543 यहाँ पर सहायक अध्यापक नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। बताया है कि प्रथम चरण में जो है यहाँ पर 454 और द्वितीय चरण में 76 और तृतीय चरण में जो है 34 सहायक अध्यापक को यहाँ पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। बात करते हैं यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस दाखिलों की नीट यूजी स्टेट काउंसिल ने 21 से, तो यहाँ पर एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने शुरू की तैयारी। 13 को जो है काउंसलिंग बोर्ड की बैठक और इसमें 14 अगस्त से शुरू होने जा रही है यहाँ पर नीट यूजी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग। इसके लिए यहाँ पर 3 निजी और 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के दाखिले होने शुरू होंगे। इसके लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि एमबीबीएस की सीटों की संख्या और कॉलेज का नाम, कहाँ पर कितनी सीटें हैं और किस पोस्ट की। यहाँ पर बीडीएस की यहाँ पर 100 पोस्ट रखेगी उत्तराखंड के डेंटल कॉलेज देहरादून और यहाँ पर जो है सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश में, तो इनकी काउंसलिंग 21 तारीख से होने वाली है। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, करवाल विश्वविद्यालय 15 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा, वेबसाइट पर देखा रिजल्ट, तो वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसका रिजल्ट आ चुका है। एचएमबी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थी जो है अपना परीक्षा परिणाम जो है वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और यूजी एग्जाम मेरिट के आधार पर हो प्रवेश, तो यहाँ पर अखिल भारतीय विद्या परिषद ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूजी कक्षाओं में मेरिट के आधार पर जो है प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। आप अगर बीएड का रिजल्ट देखना चाहते हैं इसके लिए जो है ऑनलाइन साइट यह है, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जल्द भरे जाएंगे प्रधानाचार्य के 600 पद, तो प्रधानाचार्य के 600 पद जल्द भरने वाले हैं। जेजेआईसी में हुए कार्यक्रम में बोले शिक्षा मंत्री, 34 सहायक अध्यापक को नियुक्ति पत्र, 34 सहायक अध्यापक को नियुक्ति पत्र मिल चुका है जिस पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है। और 600 जो यहाँ पर प्रधानाचार्य हैं उनकी पदों की भर्ती जल्दी होगी। और वहीं यहाँ प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की भर्ती 3,000 पद पर होनी है, एलटी के 1,500 पदों की भर्ती होनी है, लेक्चरर के 800 पदों पर नियुक्ति होगी, तो लेक्चरर के 800 पद भर्ती यहाँ पर आएंगी आपके यहाँ पे बताया गया है। और शिक्षिका जो है लता पांडे को क्या सम्मान सम्मानित किया गया है, बाल अधिकारों का जो है पाठ पढ़ाएंगे प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य अब बाल अधिकार का पाठ पढ़ाएंगे। प्रशिक्षण के लिए जो है रहेगा सख्त प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण के सख्त प्रोटोकॉल रहने वाले हैं। स्कूलों में जो है नन्ही बच्चों को जो है यौन दुष्व्यवहार से आप सुरक्षित बनाने को लेकर अधिकार संरक्षण के लिए जो है प्रधानाध्यापक को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। SC ST आरक्षण में जो है लागू नहीं होगा क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर पीएम ने दिलाया भरोसा। पार्टी के SC ST सांसद से कहा कोटे के फैसले पर जो है होगा विचार, और क्रीमी लेयर पर था साथ और साथ में उप वर्गीकरण का मतभेद था, अब यहाँ पर इसमें आरक्षण नहीं करने की बात करें क्रीमी लेयर को लेकर। सीएम आवास कूच करते अतिथि शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प, तो यहाँ पर देखते हैं बारिश में घंटों सड़कों पर जो है डटे रहे, नियमितकरण और यहाँ पर मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई और अपनी मांगों को लेकर जो है आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर गेस्ट शिक्षक शुक्रवार को परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच किया और पुलिस ने जो है उनको सचिवालय से पहले जो है अभिषेक टावर के पास रोक लिया, तो यहाँ पर देख सकते किस तरह की झड़प हुई है। उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये में बराबर कर रहे काम और मानदेय नहीं बढ़ाया, तो 25,000 में गवर्नमेंट टीचर की तरह काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक तो मानदेय नहीं बढ़ाए गए हैं। डीजी शिक्षा ने प्रदर्शनकारियों को किया आश्वस्त, कहा है कि माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का जो है प्रतिनिधि मंडल धरने के दौरान जो महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी से
सूचना महानिदेशालय में मिली, इसमें बताया गया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार को जो है शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में गैर शिक्षकों की संघ बैठक होगी और उसकी जो सुरक्षित भविष्य को लेकर मांग और वेतन 40,000 प्रति 40,000 रुपये प्रभाव जो व्यायाम शिक्षक उनके समायोजित करने को लेकर वार्ता होगी। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों के अंतरमंडली तबादले जल्द किए जाएंगे, तो अंतरमंडली तबादले जल्द होने वाले हैं। और राजकीय शिक्षक संघ ने प्रदेश काउंसिलिंग में माध्यमिक ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण करने पर जो खुशी व्यक्त करते हुए शुक्रवार को प्रदेश शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को सम्मान किया है। और बात करते हैं यहाँ पर आज की जॉब अपडेट को लेकर, जॉब अपडेट में आप लोग देखते हैं कि JKSSB ने जारी किया विज्ञापन, 4,200 पदों पर 29 अगस्त तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ अधिकतम आयु आपका 40 वर्ष रखा गया है। गेल इंडिया में 390 पद निकाले गए हैं और प्लाजा अनुसंधान 27 पद निकाले गए हैं और MPESB में 450 पद निकाले गए हैं। 10वीं पास रखा गया है और वहाँ पर भारतीय नौसेना में निकाले गए 18 पद, लोक राजस्थान लोक सेवा आयोग में 43 पद निकाले गए हैं। अन्य पद आप देख सकते हैं। और वहीं शासन के आदेशों को जो है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का ठेंगा, शासन ने दी चतुर्थ श्रेणी के 84 पदों पर आउटसोर्स से भरने की अनुमति। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो यहाँ पर ग्रुप डी पद पे है आउटसोर्स से भरने की अनुमति यहाँ पर जारी कर दी गई है। और उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय शासन की ओर से जारी आदेशों को जो है ठेंगा दिखा रहा है। शासन ने यहाँ पर बताया है कि मार्च 2024 में विश्वविद्यालय में आउटसोर्स श्रेणी की जो है 84 पदों को भरने की अनुमति दी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने इस पर जो है कार्रवाई नहीं की। साथ ही शासन को बार बार पत्र भेजकर 2017 से 2022 तक बिना अनुमति के रखे आउटसोर्स कर्मियों को रखने की अनुमति यहाँ पर मांग जा रही है। और वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नियुक्ति विज्ञप्ति निकाली गई है। इसमें 4 पदों के लिए यहाँ पर वेद पाठ के रिक्त पद की पोस्ट निकाली गई है। वेतन लेवल देखते हैं, 6 लेवल का है जो कि यहाँ पर 9,300 से लेकर 34,800 के रेट पे होगा। आवेदन आमंत्रित किया गया 30 अगस्त तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति अकादमी में साक्षात्कार के माध्यम से विज्ञप्ति निकाली गई है। 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, इसके लिए साक्षात्कार आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अस्थायी व्यवस्था के तहत पसंदीदा की तरफ निकाली गई भर्तियां हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यहाँ पर जो है विज्ञप्ति करके निकाला गया है, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में है, जिसमें यहाँ पर राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 का है, JEE भर्ती का। इसमें जो भी दिव्यांग कैटेगरी का है उसका साक्षात्कार और उसका जो रिटर्न एग्जाम था उसके आधार पर जो है परीक्षा परिणाम जारी कर देगा, वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का आज काउंसलिंग होनी है और इसमें सॉरी ये तो आपका इसमें है गैस शिक्षकों की अनुमति के लेकर है, गैस शिक्षकों की तैनाती है। इसमें यहाँ पर बताया गया कि 16 अगस्त को प्रवक्ता अंग्रेजी भौतिक और रसायन जीव विज्ञान इन सब का यहाँ गणित और इन सब का चयन किया जाएगा। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, मतलब कि आपका जो है होनी ही नियुक्ति। और जो कि यहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी पहले मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के सभागार में आपको उपस्थित होना पड़ेगा। वेबसाइट आप जारी करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के रिगार्डिंग अगर बात करें तो इसमें देखते हैं कि आपका जो है रसायन विज्ञान का इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है, इसके लिए जो है आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कहा है कि विषयगत 21 जून तक जो अनर्हता भर्ती है वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं।